जब आप टॉपिक्स को पढ़ चुके होते हैं एकदम जड़ से एकदम रूट से पढ़ चुके होते हैं तब आपके माइंड मैप्स आते हैं बिकॉज माइंड मैप्स आपके वो क्विक टूल्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले किसी टॉपिक की कहानी को रिकॉल करने में मदद करते हैं देखिए प्रिंटिंग जो है ना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है आप बात करते हैं आज कई सारी किताबों की तो जाने कितनी सारी किताबें यार यहाँ पे प्रिंट होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स हो गई स्टोरी बुक्स हो गई कुछ बच्चों को नॉवल्स पढ़ना पसंद है तो ये सब किसका देन है सब किसका गिफ्ट है यार हमारी प्रिंटिंग टेक्निक्स का बारह में एक इटालियन एक्सप्लोर थे इनका नाम था तो 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 मार्को जब जब चाइना में रह करके वापस वापस आए आए तो उनको किस बात की की नॉलेज नॉलेज हो गई प्रिंटिंग अब वापस आए, तो उन्होंने क्या किया इस किया इस को इटालियंस के साथ शेयर किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर बढ़िया था मस्त था जो भी था वो सब छोड़ो तुम बताओ कि क्या ये चैप्टर तुमने पढ़ा है प्रिंट कल्चर और द मॉडर्न वर्ल्ड अब क्या है कि बच्चों के मन में एक बहुत ज्यादा हर बार हर साल कंफ्यूजन रहता है रीजन यही है यार कि हमारे बच्चों के लिए ना एक तो ये चैप्टर इतना, इतना लंबा है इतना लंबा है इतना लंबा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता ठीक है और साथ ही साथ बच्चों को इतना सारा चीजें याद करनी पड़ती है रिवाइज करनी पड़ती है तो बच्चों के लिए काफी टेंशन वाली बात हो जाती है अच्छा बात बात में ये तो मैं भूल ही गया कि तुम्हारा क्या करना है स्वागत से स्वागत कहां पे आपके अपने प्यारे और जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला पे और आपके प्यारे फाउंडेशन चैनल के ऊपर और एक धमाकेदार सीरीज जो कि बहुत टाइम से चल रही है जिसका नाम है आपका माइंड मैप सीरीज और इस माइंड मैप के पिटारे में दोस्तों क्या है कि आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर के आया हूं और कुछ बहुत स्पेशल लेकर के आया हूँ वो क्या है जल्दी से मेरा ये अस्त्र ले आओ ना बिकॉज ये बहुत काम आता है जब आपको पढ़ाई कराते हैं तो जो बालक ये चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए वीडियो है जो बालक ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी क्विक दिमाग में आइडियाज डालने के लिए वीडियो है तो देखिए माइंड मैप का एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि माइंड मैप का जो इंपॉर्टेंस होता है वो आपको टॉपिक को कम से कम समय में रिवाइज और रिकॉल करने के लिए होता है जब आप टॉपिक्स को पढ़ चुके होते हैं एकदम जड़ से एकदम रूट से पढ़ चुके होते हैं तब आपके माइंड मैप्स आते हैं बिकॉज माइंड मैप्स आपके वो क्विक टूल्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले किसी टॉपिक की कहानी को रिकॉल करने में मदद करते हैं। तो जो बालक एकदम जड़ से पढ़ने के लिए बैठता है उसके लिए वन शॉर्ट लेक्चर है ठीक है उसके लिए वन शॉट लेक्चर है उड़ान वाइटी चैनल के ऊपर आप बढ़िया से वन शॉट को देखिए एकदम जड़ से एक एक चीजों को कवर करते हो जो बालक सब कुछ पढ़ चुके हैं जिनके एग्जाम्स हैं जिनको क्विक कॉन्सेप्ट करना है रिवाइज करना है है कि क्या क्या हुआ है इस टॉपिक के अंदर उनके लिए माइंड मैप एक बहुत इफेक्टिव टूल है तो जिन बच्चों के मन के अंदर कंफ्यूजन है तो मैंने सोचा उन बच्चों का कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर दिया जाए और दोस्तों आइए इसके साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्यारा सा जबरदस्त वाला और धमाकेदार वाला टॉपिक यानी प्रिंट कल्चर क्या तुमने कभी सोचा है बालक कि जब प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी तब लोग किताबें कैसे पढ़ते थे अब ये तो नहीं कह सकते यार तब किताबें एग्जिस्ट नहीं करती थी किताबें तो भैया तब भी एग्जिस्ट करती थी है ना लेकिन किताबों को लिखने का जो तरीका है वो बहुत अलग था कोई मशीन नहीं हुआ करती थी जो किताबें छापती थी लेकिन लोग हाथ से किताबें लिखा करते थे कई बार बड़े बड़े पत्तों के ऊपर कई बार कुछ हैंडमेड पेपर के ऊपर तो आइए इस जर्नी को हम लोग जियेंगे इस जर्नी पे स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से अपने पास चिप्स पापड़ी नमकीन बिस्किट जो खाने के लिए रखना है रख लो क्योंकि अगले कुछ समय तक आपको चुपचाप एक कोना पकड़ के बैठ जाना है और सारे डिस्ट्रैक्शन को ऑफ करके अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑन करके ध्यान देना है बोर्ड पर लिखी हुई बातों को नहीं बट मैं जो बताने जा रहा हूं उन बातों को ठीक है चलिए तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे-प्यारे चैप्टर प्यारे को दैट इज प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड इसका छोटा सा प्यारा सा क्विक रिवीजन एंड हियर गो गाइस ठीक है चल तो बेटा बहुत सिंपल है हम बात करेंगे पहली प्रिंटेड किताबों की किस तरीके से प्रिंट यूरोप में आई भारत में आई और प्रिंट एंड सेंसरशिप की ठीक है तो हालांकि कुछ ही टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इसके साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं करने के लिए तो बहुत सिंपल है नंबर वन अगर मैं आपसे बात करूं नंबर वन पहली बात देखिए प्रिंटिंग जो है ना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है आप बात करते हैं आज कई सारी किताबों की तो जाने कितनी सारी किताबें यार यहाँ प्रिंट होती है इसको हम लोग पढ़ते हैं आपकी टेक्स बुक्स हो गए स्टोरी बुक्स हो गए कुछ बच्चों को नॉवल्स पढ़ना पसंद है तो ये सब किसका देन है सब किसका गिफ्ट है यार हमारी प्रिंटिंग टेक्निक्स का अगर आप देखोगे जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब जितनी भी किताबें थी आपकी ये हाथ से लिखी जाती थी है ना मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह होते थे उनको हाथ से जाता था अब अगर आप देखेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या था सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग अब कुछ बच्चों की ना एकदम मोती जैसी हैंडराइटिंग होती है एक नंबर हैंडराइटिंग होती है तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे आर्टिस्टिक तरीके से बड़ा स्टाइलिश तरीके से लेटर्स को लिखा जाता है इसको हम कहते हैं कैलीग्राफी एक नंबर में क्वेश्चन आता है ठीक है कैलीग्राफी मतलब आर्ट और ब्यूटीफुल स्टाइलिश राइटिंग तो अगर आप देखोगे तो उस जमाने में कैलिग्राफी वगैरह काफी होती थी और हैंडमेड पेपर्स के ऊपर जो है इसको लिखा जाता था सुंदर सुंदर अक्षरों में इनफैक्ट लिखने के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता था जो इसमें एक्सपर्ट होते थे अब अगर आप देखिए यहां पे बच्चों जो स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग था वो था आपका हैंड प्रिंटिंग ठीक है यानी हाथों से चीजों को छापना खासकर अगर आप देखेंगे जो काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी था वो स्टार्ट हुआ था चाइना जापान और कोरिया में ठीक है तो चाइना जापान कोरिया खासकर माना जाता है कि जो पेपर है उसका इन्वेंशन में चाइना में हुआ है और चाइना में बड़ी दिलचस्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था ठीक है ये लोग क्या करते थे ये लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करते थे कि वुड ब्लॉक क्या होता है अभी आपने देखा होगा खासकर लड़कियां इस बात से रिलेट कर पाएंगी बेटा आप लोग मेहंदी लगवाते हो है ना जो मेहंदी वाले भैया होते हैं अभी तो क्या है बच्चों के पास कौन सा आते हैं आपके फेस्ट अच्छा भारतीय फेस्टिवल्स आप देखोगे तो जो फीमेल्स होती हैं बड़ी मेहंदी वहन्दी लगवाती हैं अगर किसी लड़के की शादी हो रही तो उसके भी मेहंदी लगती है तो मेहंदी इज अ वेरी कॉमन कल्चर भारत के अंदर है ना और आप देखोगे ऐसा नहीं कि, कि किसी एक रिलीजन में बट पूरे भारत के अंदर जो आप देखोगे अलग अलग धर्मों के अंदर भी अलग अलग रिलीजन में कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है जिसमें लोग मेहंदी लगाते हैं हाथों में ठीक है Now, अब अगर आप देखोगे तो मेहंदी आजकल तो कौन सा है उस कौनस में मेहंदी भरी होती है लोग उससे लगा देते हैं लेकिन कुछ अगर आप कभी कभी बाहर मेहंदी लगवाने जाएंगे तो आपने देखा होगा जो मेहंदी वाले भैया होते हैं उनके पास ऐसा ना लकड़ी का स्टैंप रहता है लकड़ी का ठप्पा रहता है उस पर डिजाइन छपी होती है उस डिजाइन पर मेहंदी डिप करके उसको मेहंदी में लगा करके वो आपके हाथों में ऐसे छाप देते हैं तो वो डिजाइन आपके हाथों में छप जाती है अब कुछ ऐसा ही सिस्टम आप देखेंगे तो चाइना के अंदर आपको देखने को मिलता है तो चाइना में भी ना लकड़ी के ऐसे ब्लॉक्स हुआ करते थे उसमें कुछ लेटर्स बने होते थे उसको इंक में डुबा करके जो पेपर होता था ना हल्का शीट ऑफ पेपर लाइट शीट है ना हैंडमेड पेपर उसके ऊपर दबा के छापते थे तो जितना भी लेटर वगैरह है वहां पे छप जाता था ठीक है इसको हम कहते थे वुड ब्लॉक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ठीक है Now, अगर आप देखेंगे तो अर्लीस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कहां डेवलप हुई थी चाइना जापान कोरिया में सतरवी शताब्दी तक अच्छा अगर आप देखोगे यहां पे कि सेवनटीन सेंचुरी तक ना कि जो चाइना में शहरी कल्चर है अर्बन कल्चर है इसकी शुरुआत हो जाती है ज्यादा ज्यादा शहर बनने स्टार्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि चाइना में जो प्रिंट कल्चर का जो प्रिंट का यूज uh, है वो काफी ज्यादा यहाँ पे डाइवर्स uh, हो जाता है ठीक है ना अगर आप देखेंगे इससे पहले सत्रवीं शताब्दी से पहले, पहले चाइना में एक बड़ा जबरदस्त प्रोसेस होता था उसको हम क्या कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे आपने देखा होगा एक रील बड़ी वायरल हुई थी कि भैया पढ़ाई वढ़ाई करो आईएसआईएस बनो तो भारत के अंदर भी जो आईएसआई आईपीएस वगैरह होते हैं इनको चूज करने के लिए यूपीएससी एक सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाता है अच्छा ये जो आईएसआईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ना इनके सिस्टम को हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं ठीक है ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही आप कह लीजिए अच्छा अब क्या है चाइना में जो वहां का इंपीरियल स्टेट था जो राजा का दरबार था वहां पे भी ऐसे कई सारे ऑफिसर्स को हायर करने के लिए वो लोग सिविल सर्विसेस का एग्जाम करवाते थे अब इस एग्जाम को स्पॉन्सर कौन करता था खर्चा कौन उठाता था, था वहां की चाइनीज सरकार चाइनीज गवर्नमेंट तो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कैंडिडेट्स को किताबें चाहिए होती थी और किताबों को प्रिंट करवाने का भी जो खर्चा था वहां पर सरकारी उठाती थी तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे जो सबसे बड़े यूजर्स थे प्रिंटेड किताबों के वो ये एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स थे लेकिन जब धीरे धीरे यहां पे शहरीकरण हुआ जब आपका अर्बन कल्चर स्टार्ट हुआ है ना लोग ज्यादा शहर बनने लगे लोग ज्यादा एडवांस होने लगे तो आप क्यों देख सकते हो कि जो प्रिंट का इस्तेमाल था वो भी काफी ज्यादा डाइवर्स हो गया राइट इनफेक्ट आप देखोगे कि अभी लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे एग्जाम के लिए किताबें नहीं ले रहे बट जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो व्यापारी है मर्चेंट्स हैं वो अपनी ट्रेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो महिलाएं हैं रिच महिलाएं हैं वो अपने जीवन के बारे में लिख रही हैं कई सारी किताबें पढ़ रही हैं तो प्रिंट का जो यूजेज है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया इनफैक्ट अगर आप देखोगे उन्नीस शताब्दी में जब वेस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ पे चाइना के अंदर अपने ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह बनाने स्टार्ट किए थे तो वो क्या करके लाए वो अपने साथ बहुत सारी वेस्टर्न टेक्निक उठा के लाया ठीक है और एज अ रिजल्ट आप देखोगे की वेस्टर्न स्टाइल स्कूल खुलने चालू हो गए चाइना में जैसे आज मॉडर्न स्कूल आप कह लीजिए और उन मॉडर्न स्कूल्स में किताबों की डिमांड थी उस किताबों को प्रिंट किया जा रहा था शंघाई के अंदर तो शंघाई जो है आप कह सकते हो एक नया हब बन गया प्रिंट कल्चर का चाइना में अच्छा अब अगर हम बात करेंगे जापान में प्रिंट कैसे आए देखिए तक 770 की बात तो जो मिशनरीज मिशनरी कौन होता है मिशनरी वो आदमी होता है जिसका कोई पर्टिकुलर मिशन है या ऑब्जेक्टिव है बुद्धिस्ट मिशनरीज का मतलब वो लोग जो बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर तो चाइना से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे जापान में जो सबसे पुरानी प्रिंटेड किताब थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा अगर आप देखोगे तो वो थी आपकी डायमंड सूत्रा ठीक है जिसका पब्लिश क्या कहता है 868 एडी के अंदर एक और बड़ी खास बात बताता हूं चाइना से रिलेटेड आपको चाइना में क्या हुआ करता था आप देखेंगे जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उससे ना बहुत सारी बड़ी किताबें तो नहीं छाप सकते प्लस जो आपका पेपर था वो भी ऐसा होता था कि मतलब उसको ना आप दोनों तरीके से नहीं छाप सकते दोनों तरफ नहीं छाप सकते जैसे आज आपकी जो कॉपी किताबें होती है जो आपकी नोटबुक होती है उसके आप दोनों पन्ने पर दोनों साइड लिख लेते हो पेपर अच्छा क्वालिटी का होता है पहले इतनी अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं था बहुत हल्का पेपर था राइट तो अगर आप उसके एक साइड छापोगे तो उसका अगली तरफ भी आपको थोड़ा इंप्रेशन दिखाई देगा तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ना अलग अलग पेपर पे अलग अलग चीजें छापी जाती थी ठीक है तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको मान लीजिए कि दो पैराग्राफ लिखने तो वो एक पेपर में नहीं आ पाएगा दो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको पांच छह शीट ऑफ पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है और शीट के एक ही तरफ पे आप छाप सकते हो तो ऐसी शीटों को किताब बनाना काफी मुश्किल है तो ये लोग क्या करते थे जब ऐसी शीट इकट्ठा हो जाती थी तो इसको एक साइड से सिल देते थे कभी हारमोनियम देखा हारमोनियम मस्त निर्णय हारमोनियम देखा तो हार्मोनियम कैसे ऐसे खुलता बंद होता है ना तो ऐसी किताबें भी ऐसी खुलती बंद होती थी हार्मोनियम जैसी थी ऐसे तो कई बार इसको हम चाइनीज अकॉर्डियन बुक कहते हैं ठीक है डन अच्छा अब अगर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट लोगों ने क्या किया यहां पर जापान के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया डन अच्छा अब क्या होता है कि अच्छा जापान के अंदर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर ब्लूम कर गया अगर देखो जापान में जो आज का शहर टोक्यो जाना जाता है तो टोक्यो पुराने जमाने में ईडो के नाम से आना जाता था अब ईडो में भी जब शहरीकरण भरा अर्बन सर्कल्स बढ़े तो आप देखोगे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर यहां किताबें बननी स्टार्ट हो गई ठीक है तो वहां की जो लाइब्रेरीज है आपको वहां पर अलग अलग टॉपिक्स पे किताबें मिल जाएंगी कल्चर के ऊपर हो गई एटिकेट्स मैनर्स के ऊपर हो गई शाम को टी हाउस गैदरिंग्स कैसे करें चाय पे लोगों को कैसे बुलाएं क्या होना चाहिए पूरे सेरेमनी का हिसाब किताब इस पर बहुत सारी किताबें आनी जो है वहां पर स्टार्ट हो गए राइट एक बड़े जबरदस्त पेंटर हुए वहां पे इनका नाम था कीता गावा उता मारो तो कीता गावा उता मारो नाम है यार इंसान का तुम तो मैं ऐसा मत सोचना कि किसी डॉगी का नाम ले रहा हूं मैं है ना तो किता गावा उता मारो नहीं इंसान का नाम है किता गावा उता मारो तो इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त टाइप का आर्ट फॉर्म स्टार्ट किया था इसको हम उकियो कहते हैं उकियो का मतलब होता है पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड कई बार वन मार्क्स में आता है ठीक है तो उसमें क्या करते थे ये लोग कि जैसे आपने कभी स्टेंसिल से ड्रॉइंग में आप देखो तो सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन बनाई जाती है तो ये भी ऐसे ही करते थे थी, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और उसकी जगह ना कुछ अलग आउटलाइन टाइप का क्रिएट हो जाता था तो ये एक बड़ा जबरदस्त फॉर्म था इन्होंने भी हायर किया था जिसका नाम था सुताया जुजा बुरो ठीक है बड़ा खतरनाक नाम है तुम्हें सुन के हंसी आएगी बट जी हाँ ऐसा ही नाम है ठीक है तो दिस इज हाउ इट नाउ अच्छा अब क्या होता है कि यहां पे प्रिंट ना थोड़ी थोड़ी आगे बढ़नी स्टार्ट होती है अब क्या है कि एक बड़ा खतरनाक आदमी है इसका नाम है मार्को पोलो ठीक है तो अब क्या है कि ग्यारहवीं शताब्दी में चाइनीज पेपर जो है सिल्क रूट के थ्रू पहुंच गया था कहां यूरो ठीक है और बाकी सामान भी चाइना से ऐसे जो सिल्क हुआ करती थी वो भी यूरोप जाती थी इन्हीं रूट के थ्रू तो चाइनीस पेपर भी इन्हीं रूट के थ्रू पहुंचा था बार सौ पिचानवे में एक इटालियन एक्सप्लोर थे इनका नाम था मार्को पोलो तो मार्को पोलो जब चाइना में रह करके वापस आए तो उनको किस बात की नॉलेज हो गई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की अब जब इटली वापस आए तो उन्होंने क्या किया इस नॉलेज को इटालियंस के साथ शेयर किया और वहां पर भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है पॉपुलर होना स्टार्ट हो तो पहले इटली में पॉपुलर हुआ और इटली से निकल करके जो है अलग अलग हिस्सों में यूरोप में फैल गया अब अगर आप देखोगे जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगा यहाँ पे बुक्स का तो यहाँ पे जो यूरोप के अंदर जो है आप देखोगे जो

अगर इस किताब से मुझे क्या करना हो इस किताब से मुझे लेट से कि कोई क्वेश्चन पढ़ना हो तो मैं बड़ी आसानी से क्वेश्चन पढ़ सकता हूं इस किताब से फ्लो चार्ट पढ़ सकता हूं उसमें वैसे बहुत सारी चीज दी हुई है ठीक है तो अगर मैं चाहूं तो इस किताब को बड़ी ईजिली हैंडल कर सकता हूँ को इधर लेके घूम सकता हूं उधर लेके घूम सकता हूँ ठीक है लेकिन मैन्यू के साथ ना ऐसी चीज पॉसिबल थी नहीं तो मैन्यू के साथ ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो मे के साथ अगर आप देखोगे तो ये करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं बिकॉज हल्के पन्नों की किताबें हैं छोटी छोटी किताबें हैं है ना छोटी किताब मान लो ऐसे एकदम हल्के पन्नों वाली ठीक है जिनको सिला गया है स्टिच किया गया है ऐसे एकदम जुगाड़ तरीके से स्टेबल किया गया है तो इनको पहली बात तो ये बहुत नाजुक है खराब हो जाती थी पन्ने खराब हो जाते थे फट जाते थे इनको इधर उधर लेके घूमना पॉसिबल नहीं इनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है तो इस वजह से जो मैन्यूक्रिप्ट का सर्कुलेशन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड था ठीक है ना अच्छा अब क्या दिक्कत है नंबर वन इसके अलावा अगर आप देखोगे कि डिमांड ऑफ बुक्स तो बढ़ती जा रही है लेकिन उस डिमांड को पूरा करना भी बहुत मुश्किल है अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे क्या होता था कि एक को, एक कोई मेजर मेन्यक्रिप्ट बना ली गई अब उसकी कॉपियां बनानी स्टार्ट की अभी कॉपी करना अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है लेबोरियस और टाइम टेकिंग है यदि मान के चलो अगर आज मैं ऑर्डर देकर के, के आया हूं पचास मेन्यूस्क्रिप्ट तैयार करने का तो मुझे चार पांच छह सात आठ महीना भी वेट करना पड़ सकता है तब जाकर के मेरा ऑर्डर कहीं पूरा होगा तो अभी देखोगे आप जरूरत है यहां पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की लाने की जो प्रोडक्शन यहां पे बढ़ा सके और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ जो है यहाँ पे फटाफट से बुकों को प्रोड्यूस कर पाए और यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलता है 1430 के अंदर जोहैन गुटेनबर्ग को जिन्होंने नए तरीके की प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया किया था कहां किया था बेटा जर्मनी के अंदर ठीक है तो गुटेनबर्ग की कहानी ना अपने आप में बहुत दिलचस्प बहुत इंटरेस्टिंग है गुटेनबर्ग नंबर वन पहली बात तो ये एक बढ़िया जमींदार मतलब इनके जो बापू थे बहुत बढ़िया जमींदार थे तो बापू जिम्मेदार इन्हें लेके देवेकार है ना तो वही वाला गाना इनके साथ बिल्कुल फिट होता है तो इनके बापू जो थे जिम्मेदार जिमीदार मतलब बढ़िया इनके पास खेत खलियान बढ़िया था और वहां पे इनका अपना फार्म हाउस वगैरह मस्त था तो बचपन से एकदम भरे पूरे खानदान से बिलोंग करते थे अच्छे खाते पीते खानदान के थे तो इनके जो घर में ना जो ऑलिव होता है ऑलिव कभी पिज्जा खाया आप लोगों ने पिज्जा में देखा होगा तो काला काला कलर का एक ऑलिव पड़ता है ठीक है तो उस ऑलिव का ना कई बार तेल भी निकाला जाता है उस तेल को निकालने के लिए एक मशीन होती है ऐसे भारी सी मशीन होती है उस दबा करके उसका तेल निकालती है उसको ऑलिव प्रेस कहते हैं ठीक है तो इनके खेतों में वो ऐसी ऑलिव प्रेस और वाइन प्रेस काफी ज्यादा थी तो और जब ये बड़े होते गए तो बड़े होते हुए हो साथ साथ इन्होंने सुनारी का काम सीख लिया सुनारी का काम मतलब जो सुनार कौन होता है आपका सुनार वो होता है जो आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है डायमंड ऑर्नामेंट्स बनाता है तो जो सुनार होता है ना उसको पत्थर तराशने का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये वाली आर्ट जो है ना स्टोन को पॉलिश करने की इन्होंने सीख लिया और एकदम जबरदस्त ज़ब सुनार बन गए गोल्ड स्मिथ बन गए ठीक है साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जब आप किसी भी चीज को शेप देते हो कभी मम्मी को केक बनाते देखा है या बेकरी वाले भैया केक बनाते देखा है तो आपने देखोगे ना केक अलग अलग डिजाइन और शेप में आते हैं तो उसके पीछे का कारण होता है सांचे आप क्या करते हो जब केक का मटेरियल तैयार कर लेते हो तो अलग अलग शेप के ना सांचे आते हैं इनको हम कहते हैं मोल्ड इंग्लिश में तो आप उसमें जो है केक का मटेरियल डाल देते हो जिस शेप का होता है वो तो वैसे ही केक आपका बन के तैयार हो जाता है डन तो इन्होंने ना जब ऐसा ऐसे ही आप जब ज्वेलरी बनाते हो जब जेवरात बनाते हो हीरे जेवरात बनाते हो तो उसको भी आपको शेप देना नेकलेस का शेप देना बैंगल का शेप देना इयर्स रिंग्स का शेप देना है तो उसके लिए भी सांचे आ रहे हैं ठीक है तो छोटी छोटी ज्वेलरी बना छोटी छोटी ज्वेलरी होती है ना उसको हम कई बार ट्रिंकेट्स कहते हैं तो उसको जो बनाने वाले सांचे थे वो बनाने का भी एक्सपर्टीज इनको आ गया था तो अब इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं इस टेक्नोलॉजी को और ये जो सांचे हैं इसमें लेटर्स का शेप दे दू उनको जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे शेप दे दू है ना और इसको मैं किस तरीके से एक बड़ा सा जो प्रिंटिंग प्रेस है जो ऑलिव प्रेस है वैसे एक मशीन बना लू भारी सी है ना उसके नीचे इसको लगा दू है ना ये जो सांचे हैं और नीचे एक पेपर रख दिया जाए तो जब जब ये प्रिंटिंग प्रेस नीचे जाएगी इंक में डूबे हुए सांचों में जो लेटर छपे हुए हैं वो पेपर के ऊपर दबेंगे तो पेपर के ऊपर क्या होगा ये लेटर्स वगैरह छप जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाई प्रिंटिंग प्रेस को बनाने के लिए तो इस नॉलेज के बेसिस पे इन्होंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को लगा दिया अपने इनोवेशन को डिजाइन करने में ठीक है 1448 तक आप कह सकते हैं कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को थोड़ा ज्यादा बेहतर बना लिया था तो पहली किताब जो इन्होंने प्रिंट की थी दैट ऑज बाइबल आप कह सकते हो कि तीन साल लग गए थे तीन सालों में इन्होंने 180 कॉपीज़ जो है इसकी बनाई थी जो उस जमाने के हिसाब से काफी फास्टर प्रोडक्शन था ठीक है तो 1450 से लेके 1550 के बीच में आप देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेसेज जो थी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जो है यहाँ पे सेटअप हो गई थी इनफैक्ट आप देखोगे जिनको प्रिंटिंग प्रेस का नॉलेज था वो भी यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जाकर के वहां पे प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करने में मदद कर रहे थे ठीक है डन चलिए आगे बात करते हैं ना अब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि यहां पे प्रिंटिंग प्रेस का जो आप कह सकते हैं बच्चे डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एज अ रिजल्ट मार्केट के अंदर जो बुक का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है अगर आप फिफ्टीन सेंचुरी के आधे मिड हाफ की बात करेंगे तो लगभग लगभग बीस मिलियन कॉपीज जो है मार्केट के अंदर पहुंच गई थी अलग अलग किताबों की और अगर आप देखेंगे बाई सिक्सटीन सेंचुरी तो दो सौ मिलियन किताबें आपको मार्केट के अंदर दिख जाती है जो अपने आप एक बहुत बड़ा नंबर है ठीक है तो अभी किताबें क्या हो रही है बाहर बेची जा रही है किताबें जो है जब बढ़ता डिमांड बढ़ रहा है तो किताबें सप्लाई की जा रही है अलग अलग पार्ट्स में यूरोप के भी अलग अलग देशों को तो ऑल इन ऑल अगर आप देख सकते हैं तो इसने क्या किया एकदम नए तरीके का यहां पे क्रेज क्रिएट कर दिया ठीक है एकदम नए तरीके का यहाँ पे क्रेज क्रिएट कर दिया राइट चलिए मैं थोड़ा तो सा और आगे बताऊंगा आपको यहां पे तो अच्छा एक चीज और है यहां पे बच्चे आप, आप बहुत ध्यान से समझना है इस बात को ठीक है ना अगर आप देखोगे तो यहां पे ना किताबों को प्रमोट करने के लिए जो आपके राइटर्स वगैरह थे जो आप कह सकते हैं जो आपके पब्लिशर्स वगैरह थे है ना उन्होंने भी मतलब काफी सारे टेक्निक्स अपनाए थे जैसे इससे जुड़ा हुआ एक और वाक्य मेरे को याद आ रहा है यहाँ पे तो बड़ा प्यारा सा ध्यान से सुनना आपको याद होगा कि जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन किया गया था तो वहां पर एकदम से क्या बढ़ गया था प्रोडक्शन वगैरह काफी बढ़ गया था तो अच्छा अभी क्या होता था कि पुराने जमाने में यूरोप में कुछ लोग हायर किए जाते थे हम स्क्राइब्स कहते हैं स्क्राइब्स का काम था कि एक मेजर किताब से उसकी कॉपियां बनाना है ना अगर आप देखो कि जब बुक डिमांड्स बढ़ी पहले क्या था कि जो अमीर लोग थे ऐसे स्क्राइब्स को हायर किया करते थे अपने लिए खास किताबें बनाने के लिए बिकॉज इनको लगता था कि प्रिंटेड चीजें बेकार हैं और हमको कुछ खास स्पेशल चीज चाहिए अभी जब बुक की डिमांड्स पड़ी ना तो बुक सेलर्स ने भी इन स्क्राइब्स को हायर करना स्टार्ट किया मान के चलो आप कभी कभी एक बुक सेलर के लिए पचास स्क्राइब्स काम कर रहे होते थे कॉपी करने के लिए ठीक है बट अगेन ये बढ़ती हुई डिमांड तो पूरी कर नहीं पा रहे थे ठीक है फिलहाल आप देख सकते हो कि गुटेनबर्ग के जो इन्वेंशन थी प्रिंटिंग प्रेस की उसने आकर के काफी हद तक जो था ये गेम यहां पे चेंज कर दिया अब अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है यहां पे सामने कि जब बुक्स की डिमांड बढ़ी बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ा नई टेक्नोलॉजी आई तो अभी जो है मार्केट के अंदर ना किताबें आराम से सप्लाई हो रही किताबों को सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही ठीक है Now, अब पहले क्या था कि सिर्फ अमीर लोगों तक किताबें पहुंचती थी अभी क्या हुआ कि गरीब आदमी भी यार नॉर्मल आदमी भी बेसिक मिडिल क्लास आदमी भी किताबों को खरीद पा रहा है क्यों खरीद पा रहा है बिकॉज किताबों की संख्या जो है बहुत ज्यादा हो गई है तो एज ए रिजल्ट ये ज्यादा एक्सेसिबल है है ना लेकिन दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ना जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी इतने ज्यादा हाई नहीं हुए अब देखो नो no डाउट कि अगर आप देखोगे जब तक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं आई थी उससे पहले जो अमीर आदमी था वही आपकी किताबें वगैरह पढ़ा करता था ठीक है अच्छा अब क्या है जो मैक्सिमम आदमी था यूरोप के अंदर वो सिर्फ कहानियों को सुनता था तो यूरोप के अंदर भी एक ओरल कल्चर था ओरल कल्चर मतलब आपने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होगी वही कहानी आप आगे भी चिपका देते होगे कई बार तो वो कहानियां जो आपकी दादी नानी है उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुनी थी तो वो ओरली पास डाउन होती जा रही है बट वो कहीं लिखी नहीं गई है ठीक है तो ये ओरल कल्चर ना यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर था जब प्रिंटिंग जब प्रिंटेड किताबें नहीं थी और इनफैक्ट अगर प्रिंटेड किताबें आई भी स्टार्टिंग में जब उनका सर्कुलेशन लिमिटेड था तो सिर्फ जो अमीर आदमी था वही उनको पढ़ पाता था और अच्छा अब क्या हुआ कि नो डाउट कि यहां पे किताबों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन पब्लिशर के सामने सबसे सब बड़ा चैलेंज यह है कि बहुत सारे लोग अभी पढ़े लिखे नहीं तो ऐसे लोगों को यहां कैसे टारगेट किया जाए तो जरूरी है ना बेटा कि इनको वो कहानियां सुनाओ जो इन्होंने पहले ही सुनी हो तो अभी क्या करेगा तो जो आपका पब्लिशर थे इन्होंने दिमाग लगाया इन्होंने दिमाग लगाया इन्होंने कहा कि किताबों में ऐसी कहानियां छापते हैं जो इनके बीच में बहुत पॉपुलर है जैसे लोक कथाएं हो गई पॉपुलर बैले हो गए बड़े बड़े पोएम्स हो गए जो लोगों ने ऑलरेडी सुन रखे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इमेजेस बढ़िया बढ़िया पिक्चर जो थे इन्होंने किताबों के अंदर छापने स्टार्ट कर दिए अब यहां पे क्या हुआ एक बड़ा जबरदस्त फायदा हो गया तो बहुत सिंपल सी बात है इससे फायदा यह हुआ कि मान लीजिए कि जो आदमी किताब पढ़ नहीं सकता वो किताब को सुन सकता है अब जो इसको पढ़ना आता था किताँ, किताँ था किताब किताब वो खरीद लेता और किताब खरीद करके जो है लोगों को मस्त सुनाया करता था अब ये बिल्कुल आईफोन जैसा है अब देखो क्या होता है कि आज तो आईफोन बड़ा कॉमन हो गया लोगों के बीच में लेकिन पहले आईफोन का एक अलग ही रौला था यार भारतीय भारत में अगर आप देखोगे कि किसी एक दोस्त के पास अगर आईफोन आ गया तो उसका शो ऑफ मार रहा है वो सारे दोस्तों के पास ये देख आईफोन ये कर सकता है ये देख आईफोन ये कर सकता है आईफोन से ये भी होता है आईफोन से वो भी होता है ठीक है तो मतलब वो शो ऑफ मार रहा है बता रहे हैं कि यार आईफोन से क्या क्या होता है तो जिन लोगों के पास नहीं है उनको भी पता चल रहा है कि भैया आईफोन के फीचर्स हैं ठीक है तो बिल्कुल किताबों के साथ भी ऐसी चीज है अभी जो लोग किताब एक्सेस कर पा रहे हैं वो ऑब्वियस बात है दूसरों को पढ़ के कहानियां सुनाएंगे डेफिनेटी बात है अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी टावन में चला गया टावन क्या होता था पुराने जमाने में ऐसी जगह थी जहां पर लोग एल्कोहल पीने आते थे मस्त एकदम पी करके मस्त मस्त हो जाते थे और पीने के बाद खाने पीने आते थे न्यूज एक्सचेंज करने आते थे तो ऐसी जगहों पर ना किताबें वगैरह काफी पढ़ी जाने लगी अब आप पी करके सुना रहे हो तुझे पता है मेरे दादा को एक बार भूत मिला था ठीक है लोक कथा है मेरे दादा को एक बार भूत मिला था भूत ने उनसे कहा साइकिल चलाओ मेरे दादा ने कहा मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा ठीक है वो भूत को आगे बिठाए भूत ने साइकिल चलाई दादाजी को छोड़ के और आज जो है भूत दादाजी की साइकिल का पंचर बनवाने तो तो एक, एक, एक दिया आपको। तो सारी लोक जाएंगी और जो रीडिंग कल्चर था, था इसके बीच का जो डिफरेंस था ना पहले वो एकदम माइन्यूट सा हो गया बिल्कुल ना के बराबर हो गया तभी हम कहते हैं ना कि ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर दोनों इंटरमिंगल हो गए दोनों आपस में घुल मिल गए तो अभी जो है पहले जो सिर्फ सुनाया जाता था इसको भी छापा जा रहा था किताब के अंदर और अभी जो किताब के अंदर छाप दिया गया है उसको लोग पढ़ के सुना रहे थे तभी हम कहते हैं ओरल कल्चर कल्चर रीडिंग दोनों इंटरमिंगल्ड हो गए ठीक है डन अच्छा अब अगर आप बात करोगे यहां पर तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात आती है लेट्स फर्दर चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पे रिलीजियस डिबेट्स की है ना फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे चलिए ए पहले आ गया है बी एन सी बाद में आ गया है, चलो कोई बात नहीं हम पहले बात कर लेते हैं इसकी रिलीजियस डिबेट्स की ठीक है अच्छा बात करते हैं रिलीजियस डिबेट्स एंड फेयर ऑफ प्रिंट अब देखो क्या है कि जब प्रिंटेड किताब छापी जा रही है ना तो प्रिंटेड किताब में ऑब्वियसली बात है क्या हो रहा है कि लोगों के दिमाग को खोल दिया लोगों का दिमाग का बत्ती जलाती है पहले क्या था 14, 15 सेंचुरी अच्छा ये वो समय भी है जब पूरे यूरोप के अंदर ना, एक री अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसको हम रेनेसा रेनसा भी बोलते हैं ठीक है थीके? अभी क्या हो रहा है कि लोग ना हर चीज में सवाल उठाना चाय कर रहे हैं जब लोगों लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं लोग की एजुकेशन बढ़ी है लोग लिटरेट हो रहे हैं तो लोग चीजों पर ना सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे है ना उनके पास सिंपल है यार अपने को सवाल उठाना है सिंपल सी बात है ठीक है

है जो कैथोलिक चर्च के बताए गए नियम कानूनों का विरोध कर रहा है अब क्या होता था उस जमाने में यूरोप में जो कैथोलिक चर्च था कैथोलिक चर्च कैथोलिक एक समुदाय है क्रिश्चियनिटी का और इसको डोमिनेट करता था उस टाइम रोमन एम्पायर कई बार रोमन इस धर्म को काफी मिस करके, जो है जैसे हो तो, अधिकारी होते हैं बिशप हो गए आर्च बिशप हो गए तो अपने फायदे के लिए लोगों के अंदर डर का माहौल बना देते थे ठीक है ताकि लोग इनसे डर के माने अभी क्या होता है कि पंद्रह सत्रह में इनके ऐसे रिचुअल्स प्रैक्टिस को एक रिलीजियस रिफॉर्मर ने मार्टिन लूथर इसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं अभी इस आवाज को अपनी बातों को नाइन फाइव थीसेस में लिखते हैं थीसेस मतलब समझ लीजिए पेपर्स जैसे हो गए या छोटी छोटी किताबें हो गई ठीक है तो 95 थीसेस के अंदर ये जो है रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारे रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं और इसका एक कॉपी जाके चिपकाए जाकर हैं बर्ग का एक चर्च था उसके डोर पे और कहते हैं चर्च को कि आप हमको चैलेंज करके दिखाइए ठीक है अब इनके जो आइडियाज है इतनी आग की तरह फैलते हैं कि लोग इनके आइडिया से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यहां पर विद्रोह छिड़ जाता है क्रिस्टनिटी में विद्रोह मतलब इन जो कैथलिक्स है उनके अगेंस्ट जो रोमन कैथलिक्स है उनके अगेंस्ट एक विद्रोह चालू हो जाता है ठीक है

तो मार्टिन लूथर जो बाइबल है बाइबल के दो हिस्से हैं न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट यानी जीसस क्राइस्ट से आने की पहले कहानी और न्यू टेस्टमेंट उनके आने की बात की कहानी तो बाइबल का जो न्यू टेस्टमेंट का हिस्सा है उसका ट्रांसलेटेड वर्जन निकाला था इन्होंने मार्टिन लूथर ने और निकालते मानो कि नहीं पांच हजार कॉपियां बिक गई थी और इसका दूसरा एडिशन आया था अगले तीन महीने के अंदर तो ये आप कह सकते हैं इसने ना लोगों के आइडियोलॉजी को जो एकदम नेक्स्ट लेवल पे बदल करके रख दिया ठीक है इनफैक्ट मार्टिन लूथर कहते हैं कि प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड की प्रिंट इज प्रिंट जो है एक जबरदस्त गिफ्ट है भगवान का ऐसा इसलिए है बिकॉज़ इन लोगों को आवाज दी है जो लोग की आवाज अभी इतने सालों से दबा दी गई थी ठीक है पक्की बात है कोई उड़ानियन में कोई याद कर रहा है चलिए कोई बात नहीं फिलहाल हम इस पॉइंट पे आते हैं आपका थर्ड पॉइंट है थर्ड टॉपिक है ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर सी है थोड़ा सा आगे पीछे हो गया डन फिलहाल तुम बात सुनो ठीक है अब क्या हुआ कि बच्चे जब मतलब काफी पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर को यहां प्रिंट किया जाने लगा ना धार्मिक लिटरेचर नहीं धार्मिक बातों का प्रिंट किया जाने लगा तो इससे क्या हुआ कि इवन जो कम एजुकेटेड लोग थे उन्होंने भी धर्म को अलग देखने अलग तरीके से देखने का स्ट्राइक किया अब फॉर एग्जाम्पल इटली में मिल में काम करने वाला एक बंदा है मेनोशो मेनोशो क्या करता है इसकी लोकैलिटी में जितनी भी किताबें अवेलेबल थी उन किताबों को पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो बाइबल में जिस तरीके से बताया गया है कि दुनिया कैसे बनी भगवान कौन है इसके रिस्पेक्ट में ना ये अपने खुद के आइडियाज बना लेता है अब जो इसके आइडियाज हैं उससे रोमन कैथलिक चर्च गुस्सा हो जाता है क्यों बिकॉज रोमन कैथलिक को चर्च, लग, चर्च को लगता है कि ये हमें अपोज कर रहा है हमारा विरोध कर रहा है और जो भी आइडियाज रोमन कैथलिक चर्च की बताई हुई चीजों का विरोध करते थे उनको कहते थे हेरेटिकल और ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए इन्होंने एक अलग से अदालत बनाई हुई थी उसको कहते हैं इन्विशन ठीक है तो इनक्विजिशन का काम यही था कि जो लोग रोमन कैथलिक चर्च के आइडियाज़ को विरोध करें उनको जो है यहाँ पे उठा करके सजा देते और मेनोशो के साथ भी यही हुआ तो मेनोशो का जब केस लाया गया तो मेनोशो को दो बार धमकी दी गई जब धमकी नहीं माना तो उसको लास्ट टाइम एग्जीक्यूट कर दिया मार दिया यहां पे ठीक है डन तो उसको पब्लिकली ड्रैग अप करके आप कह सकते हैं उसको बाद में मार दिया तो ये इसलिए क्या गया था इसलिए क्या गया था ताकि लोगों के सामने के एक एग्जांपल सेट हो जाए कि जो रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट आवाज उठाएगा उसके साथ ऐसा ही हश्र किया जाएगा इनफैक्ट रोमन कैथोलिक चर्च इतना डर गया था कि उसने क्या किया पब्लिशर्स और बुक सेलर्स पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया फिफ्टीन से क्वेश्चन कई बार आया पीवा पंद्रह सौ अठावन एट से किताबों की लिस्ट मेंटेन करना स्टार्ट कर दी जो रोमन कैथलिक चर्च के आइडियाज के बिल्कुल अगेंस्ट है ठीक है चलो तो क्वेश्चन आता है कब से इसने प्रोहिबिटेड किताबों का लिस्ट किया तो फ्रॉम 1558 बात समझ में आ गई चलिए आगे बात करते हैं बड़ा चलिए अगर आप देखेंगे तो यहां तक तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से जो है यहां पे प्रिंट ने इंपैक्ट डालना स्टार्ट किया लोगों का बुद्धि खोल दिया अच्छा अब क्या होता है जिस तरीके से जब लिटरेसी रेट्स यूरोप में बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो लोगों को पढ़ने के प्रति इतना ज्यादा क्रेज आ जाता है अब पढ़ने के प्रति क्रेज क्यू था डेफिनेटी बात है उस जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं कि नाग्राम पे स्टोरी लगा लें फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर हैं तो डेफिनेटी बात है लोगों के पास करने के लिए काफी कंस्ट्रक्टिव काम है और पढ़ाई उसमें से इंपॉर्टेंट है पढ़ाई मतलब कई सारी किताबों को पढ़ाई ठीक है अब अठारवी शताब्दी के एंड तक आप देखोगे यूरोप के कुछ इलाकों में जो लिटरेसी रेट है साठ से अस्सी परसेंट पहुंच गए इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि वहां पे अगर आप तो कई सारे जो क्रिश्चियन समुदाय थे क्रिश्चियनिटी के अंदर ना छोटे छोटे कई सारे ग्रुप्स बन गए थे तो उन्होंने बहुत सारे ओपन करने भी स्टार्ट कर दिए और के चलते क्या हुआ कि लोग यहाँ पे एजुकेट होना स्टार्ट हो गए जब एजुकेट हुए तो डेफिनेटी बात है लोगों ने किताबों को डिमांड करना स्टार्ट किया अब फॉर एक्साम्पल इंग्लैंड में पेनी चाप बुक्स को यहाँ पे ना पेडलर्स बेचा करते थे पेडलर्स क्या होते हैं यहाँ पे बताता हूं जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं आपने देखा होगा ना आलू ले लो टिंडे ले लो आज ले लो आपने देखा होगा कई बार लोग गुंग घूम घूम के समोसे ये करम समोसे तो आप देखोगे कई लोग घूम घूम कर के सामान बेचते हैं तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं पेडलर्स ठीक है तो क्या होता था पेनी चार्जो पेनी मतलब एक करेंसी है तो ये एक पेनी का मिल जाता था बहुत सस्ता करेंसी था तो ऐसी चाप बुक्स क्या थी पॉकेट साइज बुक्स थी इसको आप जेब में डाल के घूम सकते हो और इनको बेचने वाले को हम कहते थे चैपमैन ठीक है फ्रांस में कैसी किताब आई थी इसका नाम था बिलियोथिक ब्लू एक छोटी छोटी कम प्राइस वाली छोटी किताबें थी ठीक है इसको घटिया क्वालिटी के पेपर में पे प्रिंट किया जाता था अच्छा इनके ऊपर ना सस्ता ब्लू कलर का कवर लगा होता था इसलिए इनको बिलियोथिक ब्लू कहते थे अगर आप देखोगे प्रिंट के पब्लिश होने से ना जो बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट आपके आइजेक न्यूटन हो गए या थिंकर्स हो गए थॉमस पेन हो गए जीन जैक्स रूसो हो गए अभी इनको एक मौका मिल गया कि अपने आइडियोलॉजी को ज्यादा अच्छे से प्रिंट कर पा रहे अब जब इनके आइडियाज को लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ तो लोगों ने चीजों पर ना क्वेश्चन उठाना चालू किया पहले क्या था लोग चीजों का लोग जो

देखिए एक बड़ा खूबसूरत सा बात आता है दैट इज ट्रेम्बल देर फॉर ट्रेबल द टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड देखिए क्या है कि मिड अठारवी शताब्दी में कॉमन मैन ये मानने लगा था कि जो किताबें हैं दैट इज द मीन ऑफ प्रोग्रेस वो आपको आगे लेकर के जाएंगे आपकी तरक्की में मदद करेंगी पीपल स्टार्टेड बिलीविंग की कि किताबें ना एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकती है एक बड़े फेमस फ्रांस के नॉवलिस्ट है लुइस सेबेस्टीन मर्सियत उनकी एक बड़ी प्यार, प्यारी लाइन है वो कहते हैं कि ट्रेम्बल ट्रेम्बल मतलब डरो टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के जितने भी तानाशाह डिक्टेटर्स हैं आपको डरने की जरूरत है किसके आगे डरने की जरूरत है ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर जो आदमी किताब लिख रहा है वो किताब से आंदोलन को जन्म दे सकता है और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है आप फ्रेंच रेवल्यूशन उठा के देख लीजिए फ्रेंच रेवल्यूशन में लोगों के अंदर अगर आग लगाने में किसी की अहम भूमिका है तो वो बहुत सारे फिलोसफर्स के द्वारा लिखी गई किताबों की आप जीन जैक्स रूसो की बात करिए वोल्टे की बात करिए चार्ल्स मोन्टेस की बात करिए क्लास नाइन्थ में आपने फ्रेंच पढ़ा है तो फ्रेंच रेवल्यूशन आपने ये पढ़ा था ना कि रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड थिंकर्स तो उन्होंने कैसे लोगों को समझाया था यार किताबें लिख लिख करके लोगों को बताया था कि राजा तुम्हारे साथ बेवकू बना रहा है तुमको लुई सिक्स खेला खेल रहा है तुम्हारे साथ खेला हुआ हो, हो रहा है तुम्हारे साथ है ना तो भैया इसके अगेस्ट आंदोलन करो तो बहुत जरूरी है यहाँ पे तो यह मर्सियर की बात बिल्कुल सही है मर्सियर कहता है यार जितने भी तानाशाह हैं जितने भी देश के अंदर खराब राजा हैं उन सबको डरने की जरूरत है यहां पे क्यों किससे डरने की जरूरत है एक राइटर से ठीक है और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो प्रिंट कल्चर के फॉर्म में देखिए प्रिंट कल्चर ने वो कंडीशंस क्रिएट किए जिसके अंदर कहता है कि फ्रेंच रोल्यूशन अगर किया एक्ट लाइन आती है एनसीआर की आपसे पूछता है इसको डिस्क्राइब करिए प्रिंट ने क्या किया नंबर वन जितने भी आपके थिंकर्स फिलोसफर्स है ना इनके आइडिया बहुत पॉपुलज कर दिया ठीक है बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया देन प्रिंट ने एक नया कल्चर क्रिएट कर दिया यहाँ डायलॉग और डिबेट का पहले लोग यहाँ प्रश्न नहीं पूछते थे लेकिन जब प्रिंटेड किताबें पढ़नी स्टार्ट की जब उनके दिमाग में बुद्धि में आया कि यार अच्छा हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो उन्होंने चीजों में क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया राजा के हर एक सवाल पर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया अगर आप देखोगे सत्रह में ऐसा लिटरेचर पब्लिश होने लगा जो रॉयल्टी मतलब राजा को यहां पे मॉक करता था क्रिटिसाइज करता था ये कहता था मतलब आप देखोगे ऐसे ऐसे कॉन्टे यहां पे ऐसे ऐसे पोस्टर्स पब्लिश किए जा रहे थे जो ये दिखा रहे हैं कि जो राजा है वो मजे ले रहा है और प्रजा जो है बहुत ज्यादा दुख में तो लोगों के अंदर के जो सेंटीमेंट्स से भावनाएं थी यहां पे वो उमड़ करके जो है एकदम बाहर आने लगी तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि क्या होता है बच्चों की लोगों के अंदर एक अलग लेवल का जज्बा जग जाता है लोग कहते है राजा ने बहुत बना लिया, अब आंदोलन तो करना पड़ेगा है ना तो रिजल्ट आप देखो सौ सत्तावन में, में क्या होता है फ्रांस के अंदर एक चिल्ड्रन प्रेस डेवलप की गई थी जिसका मतलब यही था कि बच्चों के लिए लिटरेचर को पब्लिश किया जाए बच्चे दिल के सच्चे इनके लिए छोटी छोटी मस्त मस्त कहानियां ठीक है चलिए विमेन जो है इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गई प्लस राइटर्स भी बन गई पेनी मैगज़ीन्स कई सारी ऐसी मैगज़ीन्स आ गई मार्केट में जो खासकर महिलाओं को कई चीजें सिखाने के लिए थी कैसे प्रॉपर बिहेवियर करना है घर को घर बार को कैसे देखभाल करना है ठीक है नाइनटीन सेंचुरी में लेंडिंग लाइब्रेरीज जो है यहां पे बहुत कॉमन हो गई लेडिंग लाइब्रेरी यानी जहां पर जाकर के आप बड़ी आसानी से किताबों को रेंट आउट करके या वहां से लेकर के पढ़ सकते हो खासकर अगर आप देखोगे जो इंग्लैंड के व्हाइट कॉलर वर्कर्स है व्हाइट कॉलर मतलब जो ऑफिशियल जॉब्स के अंदर काम करते हैं ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हैं उनको एजुकेशन का एक बहुत बड़ा साधन बन गया आपकी लैंडिंग लाइब्रेरी जहां पर जा, आराम से आ सकते हैं मिडिल क्लास लोग है ना ऐसे जॉब करने वाले लोग और वहां जाकर के अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं राइट बच्चों चले अब अगर आप देखेंगे नीसवी शताब्दी में रिचर्ड एम हो ने पावर ड्रिवन पावर ड्रिवन मतलब जो किसी प्रकार की पावर से चलती चाहे स्टीम पावर हो या आपका इलेक्ट्रिकल पावर हो उससे चलने वाली जो सिलेंडर प्रेस है उसको डेवलप कर लिया था लेट शताब्दी में ऑफसेट प्रेस ऑफसेट प्रेस मतलब जो आपके कलर प्रिंट्स निकालती है अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स बन रहे बट ऑफसेट प्रिंट बनने के बाद से क्या हो रहा है ऑफसेट प्रिंटर्स क्या होते हैं जो कलर प्रिंटिंग निकालते हैं आप जब प्रिंट आउट लेने जाते हो एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट होता है कलर प्रिंट आउट होता है तो कलर प्रिंट आउट कौन निकाल रहा है यहाँ पे ऑफसेट प्रेस तो कम से कम छह कलर एक बार में प्रिंट कर लेती थी और बीसवीं शताब्दी तक आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक सिटी से चलने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो आ गई थी और उन्होंने आकर के क्या कहते पे प्रिंटिंग ऑपरेशन को ज्यादा नया बूस प्रोवाइड किया था ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप देख सकते हो कि प्रिंट ने यहाँ पे कितना ज़्यादा इनोवेशन क्रिएट कर दिया ठीक है आगे बात करेंगे बच्चों बड़ा पे ना लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट अगर आप देखोगे एज ऑफ प्रिंट यानी प्रिंटिंग प्रेसेस के आने से पहले भी भारत में तो हुआ करती थी ठीक है तो प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन ऑफ तो मैन्यू स्क्रिप्ट एक बहुत पुराना प्रैक्टिस रहा है भारत में अगर आप देखोगे भारत में देखोग को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है संस्कृत अरेबिक पर्शियन लोकल लैंग्वेजेस तो इंडिया में मैनुस्क्रिप्ट आप कह सकते हैं जो पाम का पत्ता होता है ना पमारा एक बहुत बड़ा सा पत्ता होता है तो उस पर कई बार लिखी जाती थी और वुडन यानी लकड़ी के कवर के बीच में ऐसे दबा करके पत्ते को रख दिया जाता था जिससे पत्ते वगैरह खराब ना हो लेकिन अगेन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका तो है नहीं अगर आप देखोगे मिड 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार गोवा में आई थी इसको लेकर के आए थे पुर्तगाली मिशनरीज पुर्तगाली मिशनरीज यानी वो लोग जो यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे पुर्तगाल से तो वो पहली बार लेकर के आए थे 1674 में करीब 50 किताबें जो है यहाँ पे कोंकणी भाषा में और कन्नड़ भाषा में जो है यहां पे प्रिंट कर ली गई थी ठीक है कोचिंग में 1579 की अगर हम बात करें तो कैथोलिक प्रिस्ट ने पहली तमिल बुक को प्रिंट किया था 1713 में अगर आप देखोगे तो कैथोलिक प्रिस्ट ने जो पहला मलयालम बुक प्रिंट किया था 1710 में जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे यानी प्रोटेस्टेंट समुदाय के जो लोग थे क्रिश्चियनिटी के उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट को यहां पे प्रिंट किया था 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने पहली बार बंगाल गजट जो कि एक वीकली मैगजीन थी उसको प्रिंट करना स्टार्ट किया था तो ये जो आपका सेक्शन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्कर के रिस्पेक्ट में सारा फैक्चुअल पार्ट है यहाँ पे और वन मार्कर बहुत अच्छा बनता

अब अगर आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप्स जो है ना एक अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं अलग अलग रिलीजन अच्छा और ये एक रिलीजन के अंदर नहीं है हर एक धर्म के अंदर हर एक धर्म के अंदर आप देखोगे कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जो रिलीजन को अलग तरीके से पर्सपेक्टिव से आपका बता रहे हैं, है ना उनका सोचने का नजरिया अलग है फॉर एक्साम्पल अठारह सो इक्कीस में राम मोहन रॉय ने संबद्ध संवाद कॉमेडी यहाँ पे पब्लिश की थी अब इसको अपोज करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था ना जो पुराने पुराने रीति रिवाजों में बिलीव करता था उन्होंने इसको अपोज करने के लिए समाचार चंद्र का स्टार्ट की दो पर्शियन न्यूज पेपर यहाँ पे आए थे जामे जहा और समुले एक इनको पब्लिश किया जा रहा था एक गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार करके पब्लिश किया जा रहा था ठीक है 1810 में पहली बार जो प्रिंटेड एडिशन था किसका रामचरितमानस का जो तुलसीदास की रचना है है ना उसको कलकत्ता में पब्लिश किया गया था तो ऐसे कई सारे आप देख सकते हो पब्लिकेशंस भारत में आना स्टार्ट हो गए इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं जो इस्लाम की पढ़ाई करते हैं उलेमा उन्होंने भी यहां पे जो है ना कई सारे ऐसे फतवा वगैरह पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए थे ताकि मुस्लिम्स को गाइड कर पाएं तो ऐसी बहुत सारी पब्लिशिंग्स आपको भारत में अंदर भी देखने को मिलती है ठीक है

Now, अब अगर आप देखोगे तो यहां पे ना ये एक तो अलग अलग फॉर्म्स सा ऑफ लिटरेचर हो गया दूसरा हो गया कि यहां पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट्स भी आ गए विजुअल आर्ट्स मतलब पेंटिंग्स वगैरह भारत में राजा रवि वर्मा जो है बड़े फेमस पेंटर माने जाते हैं अपने जमाने के तो इन्होंने बहुत सारी इमेजेस बनाई थी इनफैक्ट इन इनपे एक मूवी भी बनी बन थोड़ा बॉलीवुड में मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी है बट वो मूवी कुछ कॉन्ट्रोवर्सी तो शायद बंद हो गई थी तो राजा रवि वर्मा की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स उन्होंने बनाया यहाँ पे ठीक है अब अगर मैं बात करूं वुमेन इन प्रिंट की भारत में खासकर इसको डिस्कस करते हैं ठीक है जो तो थोड़े मतलब बेहतर विचार के हस्बेंड थे पा, पापा लोग थे वो डेफिनेट सी बात है ना महिलाओं को घर पे ही एजुकेट कर देते थे तो उनको कहते थे आप घर पे पढ़ाई कर लीजिए आपके ट्यूटर्स आएंगे हालांकि कुछ कंजर्वेटिव हिंदूस यानी जिनका मतलब जो बहुत पुरानी विचारधारा के उनको लगता था कि अगर लड़की जो है यहाँ पे पढ़ लिख गई तो विडो हो जाएगी उसको हस्बैंड नहीं मिलेगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके के विचार मुस्लिम्स को लगता था कि अगर यंग लड़कियां यहाँ पे पढ़ाई करने लगेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी ठीक है और खासकर अगर वो उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ेंगे है ना जिसमें प्रेम प्रसंग की बातें की गई हैं और ये बात तो अलग लेवल का डिस्ट्रैक्शन है ना तो बहुत सारे बालक यहाँ खुद डिस्ट्रैक्टेड घूमते हैं अरे सर अरे सर है खाता ना यहाँ एकदम तो खिल गए होंगे तुम्हारी मुस्कान आ गई होगी तुम्हारे चेहरे पे है तो इनका मानना था कि अगर उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगी तो लड़कियाँ खराब हो जाएंगी ठीक है ना राज सुंदरी देवी क्या बड़ा प्यारा स्टोरी आता है यहाँ पे एक यंग मैरिड गर्ल थी बंगाल की जिन्होंने अपने घर के अंदर जो है चुपचाप से छोरी छुपे जो है लिखना स्टार्ट किया था मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी अमर जीवन जो पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी जिसको पब्लिश किया गया 1876 के अंदर कैलाश बाशिनी देवी एक और बंगाली वेमन है वो वुमन के एक्सपीरियसिस के बारे में लिखती है घर के अंदर एक महिला के एक्सपीरियंस क्या होते हैं है ना कितना काम उनको करना पड़ता है दिन भर किस तरीके से उनको इन्फियरिटी के साथ ट्रीट किया जाता है ठीक है इनको किस तरीके से घर के अंदर ही छुप करके रहना पड़ता है तो ऐसी कई सारी दिक्कतें समस्याओं के बारे में इन्होंने लिखा कैलाश बासिनी देवी ने ताराबाई शिंदे पंडिता रामाबाई ने अपर कास्ट महिलाओं का खासकर जो हिंदू वुमन है स्पेशली विडोज जिनके हस्बैंड गए हैं उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में लिखा है यहाँ पे ठीक है हिंदी लिटरेचर का आप देखोगे अठारह सौ सत्तर में पॉपुलरिटी मिलना स्टार्ट हो गया था हिंदी की काफी सारी किताबें आ रही थी पंजाब के अंदर आप देखोगे तो यहां पर पब्लिश की जा रही थी महिलाओं के लिए राम चड्डा की एक किताब है है जिसका नाम स्त्री धर्म विचार ठीक है तो राम चडा ने एक किताब लिखी है स्त्री धर्म विचार जिसमें ये बताते हैं रामचड्डा साहब बताते हैं कि इनके हिसाब से महिलाओं को ओबीडेंट होना चाहिए महिलाओं का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये बताते हैं हालांकि अगर आप बुक का थीम पढ़ोगे तो शायद आपको इतना छाना लगे ठीक है बंगाल में बाटला हाउस करके एक इलाका है आज भी बड़ा फेमस है बाटला हाउस जाना जाता है यार अपनी किताबों के लिए तो बाटला हाउस कलकत्ता में एक बड़ा पॉपुलर इलाका था यहां पर कहते हैं यार की कि वो किताबें भी मिल जाती थी जो आपको कहीं नहीं मिलती थी ठीक है सस्ते दामों में आपको किताबें मिल जाती थी रिलीजियस किताबें स्क्रिप्चर्स और ऐसी किताबें जो बाकी जगह बैन मानी जाती है ठीक है चलिए खतरनाक किताबें आप समझ जाइए चले, तो प्रिंट एंड एंडल बात करते हैं गरीब आदमी की ठीक है उन्नीसवी शताब्दी में बहुत ही चीप और सस्ती किताबें मानी स्टार्ट हो गई लेट नाइन सेंचुरी से कई सारे जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो गए इसके बारे में लोगों ने लिखना है स्टार्ट कर दिया ठीक है फॉर ज्योतिबा फुलेक जो, फुले, जो बहुत ही फेमस मराठा पाइनियर माने जाते हैं लो कास्ट को उठाने के लिए उन्होंने काफी काम किया है काफी ज्यादा एफर्ट किया है समाज में काफी आंदोलन वगैरह किया ठीक है अगर देखोगे तो इन्होंने बेचारे जो हमारे दलित वगैरह हैं उनके साथ जो समस्याएं है उनको अपनी किताब गुलामगिरी में लिखा हुआ है रबीनाथ अगर हम बात करें बाबा साहब अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं ठीक है अगर हम बी आर अम्बेडकर साहब की बात करें यहां तो अगर हम यहाँ पे ठीक है तो अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें विल एट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट बी आर अम्बेडकर ठीक है तो यहां पे थोड़ा सा बच्चे पेन नहीं चल रहा है सेम तो अगर हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करें बीहार अंबेडकर की बात करें ईवी और रामे स्वामी की बात करें तो इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफी लिखा हुआ है जिसके बारे जिसको आप देख सकते हो तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी और लोगों की जो समस्याएं हैं प्रॉब्लम है जिसको सदियों से इग्नोर किया जा रहा है उसको इन्होंने समाज के सामने ला के रखा ठीक है अगर आप देखोगे तो जो मिल में काम करने वाले लोग थे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे वो भी अभी अपने आप को एजुकेट करने लगे फॉर एग्जाम्पल काशी बाबा कानपुर के एक वर्कर है कानपुर मतलब जबरदस्त जगह यार उत्तर प्रदेश में तो कानपुर में एक मिल में काम करने वाले वर्कर थे काशी बाबा तो उन्होंने भी एक बड़ी जबरदस्त किताब लिखी थी

आप देखोगे इससे पहले बॉम्बे के मिल वर्कर्स ने भी सेम काम किया था लाइब्रेरी सेटअप करने का काम किया था जहां पे ये लोग जाकर के अपने को एजुकेट कर पाए फ्री टाइम में पढ़ाई लिखाई कर पाए ठीक है वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ठीक है अच्छा अब अगर हम बात करें प्रिंट एंड सेंसरशिप जो आपके टॉपिक का आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नो no डाउट मैंने ट्राई किया है कम से कम शब्दों में चैप्टर को करने का ठीक है तो उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखा होगा अच्छा, कॉलोनियल स्टेट था स्टेट मतलब जो सरकार थी, अंडर आपकी फ्रीडम को छीन लिया जाए जा न्यूजपेपर में के अंदर, उस फ्रीडम को अगर कर्टेल कर दिया रोक दिया जाए आपसे कहा कि अगर पहले आप सरकार के बारे में कुछ छाप रहे हो तो पहले सरकार अप्रूव करेगी तभी आप छापो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा तो इसको हम कहते हैं सेंसरशिप लगाना ठीक है तो अठारह में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट

1878 के अंदर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया। अब इसका काम बहुत सिंपल था कि लोकल भाषा के अंदर कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी किताब ऐसी छापी गई जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट है तो पहली बात तो वार्निंग दी जाएगी अगर आप नहीं सुनते हो तो आपकी जितनी भी प्रिंटिंग मशीनरी है उसको सरकार जब्त कर लेगी और आपको पनिशमेंट देगी ठीक है डन तो बहुत जरूरी है कि जो भी प्रेस यहां पे छापा जा रहा है पहले सरकार के अप्रूवल से और सरकार का अप्रूवल नहीं हुआ और कुछ गलत छाप दिया गया तो आपको ऐसे मेजर्स उठा के सरकार आपका प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो है बंद कर देगी अब आप देख सकते हो कि हालांकि सरकार ने नो डाउट ब्रिटिश सरकार ने सारी पाबंदियां लगा दी हो लेकिन फिर भी देश के अंदर ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के जो न्यूज थे उनकी जो है काफी ज्यादा संख्या बढ़ने लगी काफी नंबर बढ़ने लगा एंड एज द रिजल्ट भी सी कि उसने कहीं ना कहीं जो प्रिंट कल्चर है उसने हमारे देश के स्वतंत्रता स्ट्रगल यानी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द कंट्री इसको भी बहुत ज्यादा प्रेरित किया है बहुत ज्यादा किया और आगे बढ़ाने में काफी मदद की ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों आपको मजा आया होगा इस टॉपिक को पढ़कर एंड दैट सॉल योर टॉपिक दैट इज प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों आई गेस मैंने ट्राई किया है आपको 40-45 मिनट्स के अंदर इस टॉपिक को कवर करने का क्विक रिकॉल देने का तो जिन्होंने पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को सुन लेना ताकि आपके खोपड़िया में जो है कुछ कॉन्सेप्ट घुस जाए और जब आप पढ़ें इस चैप्टर को तो आपको पता हो कि इसके पीछे की कहानी क्या थी तो दोस्तों मैं चलता हूं किसी और किताब को पढ़ता हूं आप जाइए कुछ बढ़िया खाइए दोबारा से इसको रिवाइज करिए और कुछ धमाका करिए अपने आने वाले एग्जाम्स के अंदर धमाका का मतलब बम फोड़ के मत आ जाना लेकिन पेपर्स में आंसर का बम जरूर फोड़ना ठीक है तो बाय गए दोस्तों मस्त रहिए रहिए दुरुस्त रहिए स्टे अमेजिंग स्टे लर्निंग एट योर लविंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय गाइस टेक केयर